हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वैशाली बिस ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी अभी थोड़ी ठीक हूँ। लेकिन कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे कल बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था, तो मैं पूरे दिन ऐसे सोई हुई थी और अभी मैं ठीक हूँ तो इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। जैसे मैं नहा के आई तो गुच्चू ने देखो पूरा रूम कैसे कर रखा है, चने खा के पूरे में गंदगी फैला के। तो यहाँ सुबह काम जल्दी भी हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि दिन भर में 3-4 बार तो झाड़ू लग ही जाता है। अब गुच्चू ने अपने कपड़े भी भिगा दिए, अभी ये लेके आ रहे हैं नई टी शर्ट निकाल के। लो सो गाइस, अभी मैंने गुच्चू को कपड़े बना दिए, अब मैं करती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी सफाई, उसके बाद हम करेंगे नाश्ता दोनों। सो गाइस, अभी हो गया मेरा सारा काम और हमने नाश्ता भी कर लिया, अब मेरे को करनी है पैकिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ और कहाँ के लिए कर रही हूँ, तो वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, वो पता चलेगा आपको 2 से 3 दिन बाद। लेकिन हमारी ट्रेन है कल की और हमें वहाँ पहुँचने में लगेंगे 2 दिन, तो अभी मुझे ये सारे कपड़े पैक करने हैं, मैंने निकाल के रख दिए, तो ये सब मुझे अभी पैक करने हैं। ये हैं गुच्चे और मेरे कपड़े जो कि एक कटेजी में पैक करने हैं, तो अब मैं शुरू करती हूँ अपनी पैकिंग। और गुच्चू यहाँ आके मेरा काम बढ़ाने के लिए। गुच्चू क्यों आए हो यहाँ पे? कार्टून देखो, जाओ कार्टून देखो। गुच्चू नहीं जाएगा अभी, गुच्चू का ऐसे होता है, मम्मा को काम होता है तो गुच्चू खुद भी आ जाता है वहाँ पे काम बढ़ाने के लिए। और इस ये गुच्चू ने तो मुझे परेशान करना ही करना है। सो गाइस, मैंने दिया था ये सूट सिलवाने के लिए और ये इतना बेकार सूट सिला है, आप देख सकते हो, ये देखो कितना बेकार सूट सिला है, बहुत ज़्यादा झोल खा रहा है ये सूट। अब मेरे को जाना पड़ेगा ये सही करवाने के लिए और मेरे पास टाइम भी नहीं है, अब मैं कब जाऊँगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और मेरे यहाँ मतलब मेरे आसपास के एरिया में ना एक भी अच्छा टेलर मुझे नहीं मिला अभी तक। मेरी शादी को हो गए 4.5 साल और 4.5 सालों में मुझे एक भी अच्छा टेलर नहीं मिला जो एक बार में अच्छे कपड़े सिल के देते। हमेशा जिसको भी कपड़े दो वो कपड़े ख़राब करके दे देता है, तो फिर इसलिए मेरे को ऐसे कपड़े सिलवाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सिले सिलाए कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ इसी वजह से, क्योंकि अंदर से ना मन बहुत ख़राब हो जाता है। आप इतने महंगे महंगे सूट लेके आओ, फिर उनकी सिलाइयाँ भी आजकल इतनी महंगी है, वो सब फिर देने के बाद भी फिर अच्छे से मतलब सिल के ना आए तो फिर मन ही ख़राब हो जाता है। और एक ये सूट भी सिलवाया था, इसका भी आप देख सकते हो कैसे हो रहा है, मतलब बिल्कुल फिनिशिंग ही नहीं है कपड़े में, और गला भी देखो टेढ़ा सा लग रहा है मुझे थोड़ा सा। तो गाइस, अभी हो गई मेरी पैकिंग, लेकिन पूरी पैकिंग नहीं हुई क्योंकि सामान है बहुत ज़्यादा और बैग पूरा भर चुका है। अभी देखते हैं गुच्चू के पापा के बैग में कितने कपड़े आते हैं। गुच्चू को भी लग गई है अभी भूख, तो अभी हम दिन का खाना बनाते हैं। रोटी बनाऊंगी आज क्योंकि सब्जी रखी हुई है सुबह की, तो अभी रोटी बना के फटाफट इसको भी खिलाती हूँ, फिर इसको सुलाती हूँ। उल्टे काम करके मुझे पता नहीं आ रहा है। प्यार इसको करना है कुछ उल्टे सीधे काम, तभी ये मुझे प्यार करने आया है पहले, ताकि मम्मी मुझे करने दे। लेकिन इसको इतना ही पता मम्मी मारेगी भी अगर ये कुछ गलत काम करेगा तो। देखो गाइस ये क्या कर रहा है, इसका उजाड़ चालू हो गया। इसका ऐसे होता है कुछ भी उल्टे काम करने होगा ना तो पहले मम्मी को प्यार कर लेगा ताकि मम्मी मारे नहीं। गुच्चो क्या कर रहे हो ये? भूमि से आया, झूठ बोल रहे हो, क्या कर रहे हो वहाँ पे, क्या फाड़ रहे हो? क्या फाड़ रहे हो? देख रही आपको मम्मा, मम्मा आपको भी देख रही बेटा। कम है इसका तो ये सब चलता रहेगा, मैं बनाती हूँ दिन का खाना फिर आती हूँ इसको। सो गाइस, अभी मैंने खाना बना के दिन का गुच्चू को खाना खिला के उसको सुला दिया है और मैंने भी खाना खा लिया है और मेरे कपड़े रखे हुए थे वो भी मैंने धो लिया। अभी एक अटेजी मुझे और पैक करनी है बिशप इसके आने से पहले, फिर उनका सामान आएगा वो अपना सामान रखेंगे बैग में। और मैं सोच रही हूँ अभी खाना भी दिन में बना दूँ, रात की सब्जी वगैरह चढ़ा दे दूँ, क्योंकि अगर हमें सामान लेने जाना पड़ा मार्केट में तो हम निकल जाएंगे टाइम से। सो गाइस, अभी मैं बना रही रात की सब्जी, शिमला मिर्च आलू। और मिस्टर बिस भी घर आ गए,
तो मैं सब्जी बना के जाती हूँ मार्केट। सो गाइस अभी मैं लेके आऊँगी सूट अपने, और उन्होंने हाथों हाथ ठीक करके दे देते आंटी ने। और कल के लिए कुछ के लिए कुछ भी नहीं मिला रास्ते के लिए खाने के लिए। नीचे दुकान पे गई तो ना चिप्स के पैकेट थे ना बिस्कुट के पैकेट। और कल सुबह मुझे जाना पड़ेगा मार्केट, ये सब रखने पड़ेगा उसके रास्ते के लिए। अभी मैं बनाती रोटी और इनको खिलाती रोटी।